दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफको। जी हाँ, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें आए हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है बहुत ही नज़दीक है, 8 फरवरी 2021 है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, आप वहाँ से जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये फ्री का एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे डिप्लोमा इन बात की जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकल रखी है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो क्वालिफिकेशन रख रखा है, यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 60%, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% रखा गया है। मिनिमम जो है दोस्तों जनरल्स के लिए 27 साल एज लिमिट रखी गई है और ओबीसी के लिए 30 साल यहाँ पर रखी गई है। और जो 2018 के बाद के पास आउट के कैंडिडेट हैं वो जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको कैसे फिलअप करना है तो यहाँ पे मैं आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो उस फॉर्म को आपको फ़िलअप करके भेज देना है, एड्रेस भी दिखाऊंगा किस एड्रेस पर जो है आपको भेजना है। और इसका जो जॉब लोकेशन होगा दोस्तों, आपका कांडला यानी कि गुजरात में जो है इसका जॉब लोकेशन होगा। और यहाँ पे दोस्तों, जब आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके साथ जो है आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जिसमें 10th 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा और सेमेस्टर के मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें देना है। देन दोस्तों, यहाँ पर कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी रूल है अकॉर्डिंग टू अप्रेंटिस अमेंडमेंट रूल 2019, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह जो है स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बेसिकली ये इसमें जो डिप्लोमा पास आउट के कैंडिडेट हैं वही जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, ये फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉपरेटिव लिमिटेड, कांडला यूनिट में जो है वैकेंसी आई है। यहाँ पे जो है आपको बायोडाटा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ बताना पड़ेगा। देन अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं, सब चीज़ जो है पूछा हुआ है, जैसे कि आपका 10th 12th में और डिप्लोमा के सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे। देन दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपके मार्क्स के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा, जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे वो चांसेस है सिलेक्शन होने का। और यहाँ पे दोस्तों आपको इससे पहले नेट्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिलअप करना पड़ेगा। इसका दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि आप ये वैकेंसी कैसे जानते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको ये वैकेंसी कैसे मालूम चली, तो आप जो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इफको युवा को आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इफको युवा के थ्रू जो है ये वैकेंसी मालूम चल रही है। तो यहाँ पे इस प्रकार जो है आपको फॉर्म को फिलअप करके और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया वो डॉक्यूमेंट को अटैच करके इस एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस दिखाता हूँ अभी, तो एड्रेस दोस्तों ये नोट कर लीजिए, 2 चीफ मैनेजर PNA इफको कंडला कच्छ गुजरात, पिन नंबर 370210 जो है इसका पिन कोड है। यहाँ पे जो है आपको 8 फरवरी 2021 से पहले जो है फॉर्म को अपने बायोडाटा के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अटैच करना है वो अटैच करके आपको भेज देना है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी अगर आप और भी बहुत सारी फ्रेशर्स वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो आप जो है ifquicktechdegree.com पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे जो है आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।